और बड़ी खबर के साथ खबर असरदार की शुरुआत कर रहे हैं। मैं हूं अपर्णा मौजम। कल दोपहर 3 बजे 2024 लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। लोकसभा के साथ अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम राज्य के चुनाव की भी घोषणा कल होगी। लोकसभा चुनाव 6 से 8 चरणों में हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में 2 चरण में चुनाव हो सकता है। छत्तीसगढ़, असम में 2 से 3 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तमिलनाडु, केरला, गुजरात, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों में एक ही फेज में चुनाव हो सकते हैं। यूपी, बंगाल और बिहार की बात करें तो यहां 6 से 7 चरण में चुनाव हो सकते हैं। महाराष्ट्र में 4 से 5 फेजेस में। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा की संभावना अभी कम है। तो आज निर्वाचन आयोग की ओर से प्रेस रिलीज जारी करके ये जानकारी दी गई कि कल वो चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा और साथ ही जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उनकी तारीखों का ऐलान भी किया जाएगा। तो चुनाव की तारीखों की घोषणा की बड़ी बातें क्या हो सकती हैं ये जानते हैं। कल दोपहर 3 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। अप्रैल के दूसरे हफ्ते से चुनाव शुरू हो सकते हैं। 6 से 8 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में 2 चरण में चुनाव हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 2 या 3 चरणों में चुनाव होना संभव है। तो मई के दूसरे हफ्ते तक ये चुनाव चल सकते हैं। मई के तीसरे हफ्ते में मतगणना हो सकती है। 6 से 8 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। और अब बात मध्य प्रदेश की करते हैं। 2019 में मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजे क्या रहे, कितने वोट किस दल को मिले, ये भी आपको बताते हैं। पार्टी उम्मीदवार जीत और कुल प्रतिशत वोट परसेंटेज, बीजेपी को 29 उम्मीदवार, 28 में जीत मिली बीजेपी को, 58% वोट बैंक बीजेपी के साथ नजर आया। कांग्रेस को महज 1 सीट मिली और 34% यहां पर जो वोट परसेंटेज था वो कांग्रेस का रहा। तो ये मध्य प्रदेश की बात हो गई। और अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। 2019 में लोकसभा चुनाव के नतीजे क्या रहे, बीजेपी कांग्रेस का वोट परसेंटेज क्या रहा, ये अब आपको बताते हैं। बीजेपी और कांग्रेस वोट प्रतिशत आपको बताते हैं हम, कितना वोट प्रतिशत रहा। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं लोकसभा की, 2 आई कांग्रेस के पास, 9 आई बीजेपी के पास। बीजेपी का जो वोट प्रतिशत रहा वो रहा 50.70%, कांग्रेस के साथ रहा 40.91%। बढ़ते हैं आगे। लोकसभा चुनाव से पहले एमपी में कांग्रेस को झटके पर झटका लग रहा है। कांग्रेस के 2 पूर्व विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और वीडी शर्मा ने दोनों को पार्टी ज्वाइन कराई। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार और पंकज संघवी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। दोनों ने भोपाल में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद रहे। दोनों ने अंतर सिंह दरबार और पंकज सिंघवी को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। दोनों के साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी बीजेपी में शामिल हुए। साथ ही धामनोद की नगर पालिका अध्यक्ष भी बीजेपी में शामिल हो गई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मोदी जी का परिवार सबसे अधिक एमपी में बढ़ रहा है। देश में सबसे ज्यादा परिवार कहीं बढ़ रहा है सभी राज्यों में, तो हमारा मध्य प्रदेश है। जोरदार तालियां बजाएं मध्य प्रदेश के। अब आप अपने स्थान पर रुकना मत, अपने अपने बूथ पर जहां जहां भी आपके जैसे उम्र ऐसे कार्यकर्ता है कोई कारण से आ जाने में छूट गए, उन सबको भी जोड़ना है। हमको किसी को छोड़ना नहीं है, सबको जोड़ना है। बोलो भारत माता की। उधर कांग्रेस में मची भगदड़ का जीतू पटवारी ने बचाव किया। जीतू पटवारी ने तर्क दिया कि 80% वो नेता बीजेपी में जा रहे हैं जिन पर कांग्रेस ने निष्कासन की कार्रवाई की है। जैसा है, अंतर सिंह दरबार निर्दलीय चुनाव लड़े थे, हमने उनको निष्कासित कर रखा है, पार्टी से बाहर कर रखा है। अगर वो गए तो उनको धन्यवाद, हमारी पार्टी में नहीं थे वो बीजेपी में ही थे। इसके पहले जो
लोग गए उसको मैं वक्तव्य दे चुका हूँ। 80% लोग वो बीजेपी में गए हैं जिन लोगों को पहले ऑलरेडी हमने निकाल रखा था। लोकसभा चुनाव के एन पहले कांग्रेस नेताओं का पार्टी को अलविदा कहने का सिलसिला चल निकला है। जीतू पटवारी चाहे जो तर्क दें, लेकिन सुरेश पचौरी, गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी, संजय शुक्ला जैसे कद्दावर नेताओं का पार्टी छोड़ना एमपी कांग्रेस पर बड़े सवाल खड़े करता है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद पार्टी को एकजुट रखना जीतू पटवारी की जिम्मेदारी थी, लेकिन इस लिहाज से वे फेल साबित हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो किन नेताओं ने पार्टी छोड़ी, यानी कि कांग्रेस छोड़ी, अब आपको उनके नाम बता देते हैं। अरुणोदय चौबे, इन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ा। सुरेश पचौरी, जो दशकों तक कांग्रेस के साथ रहे। गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी, संजय शुक्ला कांग्रेस के लिए एक मजबूत नेता, वो भी पार्टी का साथ छोड़कर आगे चले गए। विशाल पटेल, सतपाल पल्लिया ने भी कांग्रेस को छोड़कर अपना भविष्य किसी और पार्टी के साथ ही सुनिश्चित समझा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो कांग्रेस में लोकसभा चुनाव से पहले भगदड़ मची है। सबसे ज्यादा डैमेज मालवांचन को हो गया है। बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ गए हैं। बड़ी समस्या मालवा अंचन को हो गया, माफ कीजिएगा, जो बड़े बड़े नेता हैं वो पार्टी छोड़ गए हैं। बड़ी समस्या इंदौर के प्रत्याशी को लेकर भी है। लगता है कांग्रेस के सामने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पटवारी को इंदौर लोकसभा से मैदान में उतारने के अलावा कोई और विकल्प बचा ही नहीं है। कांग्रेस में हो रही टूट की इस कड़ी में सबसे ज्यादा खामियाजा कांग्रेस मालवांचल में उठा रही है। कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे पंकज सिंह भी और महू से आने वाले कांग्रेस के पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार ने कांग्रेस को फिर से बड़ा डेंट दे दिया है। इससे पहले इंदौर में मजबूत पकड़ रखने वाले संजय शुक्ला भी भाजपाई हो चुके हैं, तो कभी खांटी कांग्रेसी रहे विशाल पटेल भी अब फूल छाप हो चुके हैं, यानी कि इंदौर लोकसभा में कांग्रेस चेहरा विहीन हो चुकी है। कांग्रेस को लेकर प्रत्याशियों का टोटा का जब आरोप लगाती है तो बड़ा हास्यपद लगता है। कांग्रेस का तो पैनल भी तैयार है, कल सीईसी की बैठक में चर्चा भी हो गई है, और जब हमारा खुद प्रदेश अध्यक्ष इंदौर से आता हो और हमारे पास अनेकों नेता है जो पूर्व में विधायक रहे हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं, तो इंदौर से कोई प्रत्याशियों की कमी नहीं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो अति आत्मविश्वास भारतीय जनता पार्टी बार बार दिखा रही है, ये कहीं इस बार इसे इंदौर में भारी ना पड़ जाए। हालांकि कांग्रेस नेतृत्व लोकसभा चुनाव में ऐसे हाई प्रोफाइल और बड़े चेहरे मैदान में उतारना चाहता है जो युवा और ऊर्जावान हों, तो ऐसे में इंदौर लोकसभा से पार्टी मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के नाम पर जोर शोर से विचार कर रही है। संकट की बात तो कांग्रेस के पास है। कांग्रेस का कोई उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ना चाहता। सारे कांग्रेसी मिलकर इंदौर से जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष को बलि का बकरा बनाना चाहते हैं और वो भाग रहे हैं। वे दिल्ली दरबार में जाके बात कर रहे हैं कि मुझे चुनाव नहीं लड़ाए जाए, बचना चाहते हैं। इधर अब कांग्रेस की कोशिश इंदौर लोकसभा में सम्मानजनक स्थिति में बने रहने की होगी, लेकिन चेहरों का टोटा है, सो इस बात की पूरी संभावना बन रही है कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर दांव लगाएगी, या कहें इंदौर में जीतू पटवारी के अलावा कांग्रेस के पास अब और कोई विकल्प बचा ही नहीं। खास बात यह कि इंदौर लोकसभा सीट 1989 और 90 के बाद कांग्रेस की झोली में कभी नहीं आई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इंदौर में कांग्रेस मुश्किल में दिख रही है, आइए जानते हैं क्यों। जमीन पर काम करने वाले और कद्दावर नेता पंकज सिंघवी भी बीजेपी में शामिल हो गए। महू से अंतर सिंह दरबार भी भाजपाई हो गए। संजय शुक्ला पहले ही बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। इंदौर एक से कांग्रेस के विधायक थे संजय शुक्ला, रह चुके हैं पहले विधायक। देपालपुर से पूर्व विधायक विशाल पटेल भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। 2018 में देपालपुर से कांग्रेस के विधायक बने विशाल। संजय शुक्ला विशाल पटेल के नाम पर विचार हो रहा था लोकसभा सीट से उतारने के लिए। अब जीतू पटवारी के अलावा यहां इस सीट से चुनावी मैदान में उतारने के लिए कोई चेहरा कांग्रेस के पास बचा ही नहीं है। तो क्या इंदौर में जीतू पटवारी के चेहरे पर दाव लगाएगी कांग्रेस, ये बड़ा सवाल है। बढ़ते हैं आगे।
तो एमपी में कांग्रेस ने भारी मशक्कत के बाद अपनी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। 10 नाम डिक्लेयर किए, 8 प्रत्याशी इनमें से 50 साल से कम उम्र के हैं। इससे साफ है कि पार्टी नए और कम उम्र के नेताओं को मैदान में उतारकर युवा वोट बैंक को साधने की कवायद कर रही है। लेकिन क्या इन युवा चेहरों की बदौलत कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपनी तकदीर बदल पाएगी? चुनाव की उल्टी गिनती जारी, कांग्रेस की चल रही तैयारी। कांग्रेस ने लगाया युवाओं पर दांव, युवाओं से कह रही कांग्रेस जीत कराओ। एमपी में लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी बिगुल बन चुका है। बीजेपी योद्धाओं को मैदान में उतार चुकी है, तो कांग्रेस ने अब तक 10 युद्धवीरों को मैदान में उतारा है। उन 10 नामों की बदौलत कांग्रेस साफ कह रही है कि इस बार लड़ेंगे, वो भी युवा चेहरे की बदौलत। दरअसल कांग्रेस एमपी में 29 में से 28 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। खजुराहो सीट पर सपा उम्मीदवार उतारेगी। पार्टी ने पहली सूची युवा चेहरे पर दांव चला। कौन है ये युवा चेहरे, आइए बताते हैं। सिद्धार्थ कुशवाहा, उम्र 38 साल, लोकसभा क्षेत्र सतना। रामू टेकाम, जिनकी उम्र 35 साल है, इस बार बैतूल लोकसभा क्षेत्र से उतारे गए हैं। पंकज अहिरवार, टीकमगढ़ लोकसभा से 42 वर्षीय उम्मीदवार हैं। खरगोन लोकसभा क्षेत्र से पोरलाल खरते मैदान में उतारे गए हैं, जिनकी उम्र 42 साल है। 47 साल के ओमकार मरकाम लोकसभा क्षेत्र मंडला से उम्मीदवार बनाए गए हैं, जो वर्तमान में विधायक हैं। नकुलनाथ, 49 वर्षीय, छिंदवाड़ा लोकसभा से उम्मीदवार हैं। 49 वर्षीय कमलेश्वर पटेल लोकसभा क्षेत्र सीधी से उम्मीदवार बनाए गए हैं। राधेश्याम मुवेल धार से 50 वर्षीय उम्मीदवार हैं। ये वो नाम हैं जो 50 साल या उससे कम उम्र के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस इन्हीं की बदौलत युवा वोटर्स को साधने की कोशिश में है। कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में हर वर्ग को ध्यान में रखकर नामों का ऐलान किया। इस लिस्ट में दलित चेहरे के रूप में भिंड से फूल सिंह बरैया, आदिवासी नेता के तौर पर मंडला से ओमकार मरकाम और ओबीसी चेहरे के तौर पर सीधी से कमलेश्वर पटेल पसंद बने। तो वहीं एससी एसटी वर्ग से देवास के राजेंद्र मालवी और धार के राधेश्याम मुवेल को उतारा गया है। मतलब साफ है, हर वर्ग को साधना है। कांग्रेस का मानना है कि पार्टी इन नामों की बदौलत अच्छा प्रदर्शन करेगी। युवा कांग्रेस अनुभवी नेताओं के नेतृत्व में एक अच्छा यहाँ पे परिणाम सामने लाएगी और हम जमीनी स्तर पे युवाओं के बीच में कार्य कर रहे हैं और पोलिंग बूथ पे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता मुस्तैदी से तैयार रहे। वहीं कांग्रेस की पहली लिस्ट आने के बाद सियासत और भी गर्मा गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सिर्फ नेता पुत्रों को ही प्रमोट करती है, महिला उम्मीदवारों के न होने पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस की ये सूची परिवारवादियों और दागदारियों से भरी हुई, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के सुपुत्र जो निरंतर परिवारों को पोषित पल्लवित करने का सिलसिला है वो उसमें चल रहा है। बाकी सिद्धार्थ कुशवाहा, जिन्होंने भरी ट्रेन में महिलाओं के साथ अत्याचार व्यभिचार किया। फूल सिंह बरैया, जो हमारी माताओं बहनों के लिए सामाजिक असामाजिक टिप्पणियाँ करते हैं, ऐसे लोगों को तो कांग्रेस ने टिकट दिया है और ऐसे में जनता इनको सबक सिखाएगी। दावे हैं दोनों पार्टियों के, एक वो पार्टी जिनके पास मध्य प्रदेश में 28 सांसद हैं, तो दूसरी वो पार्टी जो सिर्फ छिंदवाड़ा में ही 7 बचा पाई। कांग्रेस को अभी 18 नामों की घोषणा और करनी है। सवाल ये है कि क्या 18 युवा उम्मीदवार मैदान में उतारे जाएंगे, और अगर हाँ तो क्या कांग्रेस इन युवाओं की बदौलत अपना पुराना रिकॉर्ड सुधार पाएगी? रिपोर्ट न्यूज एजी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का पोस्टर वॉर जारी है। बीजेपी ने चौथे कांग्रेस के पांचवे प्रत्याशी का पोस्टर जारी कर निशाना साधा है। पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को बेरनपुर मामले में घेरा गया है, तो वहीं इसके साथ जबानी जंग भी शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कांग्रेस के प्रत्याशियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ में मोर्चा खोल दिया है। 4 प्रत्याशियों के बाद पांचवे प्रत्याशी का भी बीजेपी ने पोस्टर जारी किया है और बिरनपुर मामले में पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की चुप्पी पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया पर डाले गए पोस्टर की हर तरफ चर्चा हो रही है। इसके पहले बीजेपी ने कांग्रेस के 4 प्रत्याशियों के पोस्टर भी जारी किए थे। भूपेश बघेल, शिव डहरिया, ज्योत्सना महंत और विकास उपाध्याय इस फहरिस्त में शामिल हैं। उधर महासमुंद से प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू ने इस पोस्टर पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, साथ ही बीजेपी पर छवि बिगाड़ने के आरोप भी लगाए हैं।
बीरनपुर हत्याकांड में मैं क्या भूमिका मेरी थी और नहीं थी उसको भाजपा वाले नहीं जानते। गृह मंत्री के नाते मेरी जो भूमिका थी उसको मैंने पूरी तौर पर अदा किया है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा दुष्प्रचार करती है, भ्रामक स्थिति निर्मित करती है, लोगों को गुमराह करती है। चुनाव लड़ना है, सैद्धांतिक मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए, दुष्प्रचार करके चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। वहीं बीजेपी ने पोस्टर को सही ठहराया है और कहा है कि जो चरित्र है वही चित्र है। साथ ही पूर्व गृह मंत्री की चुप्पी पर सवाल भी उठाए हैं। जो चरित्र में होगा वही चित्र में आएगा। कांग्रेस की सरकार में जब गृह मंत्री के रूप में ताम्रध्वज साहू थे, उस समय बीरनपुर में एक साहू समाज के व्यक्ति की जिहादियों द्वारा हत्या कर दी जाती है। उस समय वो खामोश हो जाते हैं। आखिर जिहादियों को किनका संरक्षण था, क्यों उस पर बड़ी कार्यवाही नहीं की गई? आखिर ये सब उनके किए गए कार्य आज चित्रांकन के रूप में उनके लोकसभा क्षेत्र में उजागर हो रहे हैं। कांग्रेस जो भी तर्क दे, लेकिन बीजेपी के सोशल मीडिया पर पोस्टर की रणनीति का वो फिलहाल जवाब नहीं दे पा रही। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की रणनीति ने जीत दिलाने में भूमिका अदा की थी, ऐसे में कांग्रेस इस मायने में बीजेपी से पिछड़ती दिख रही है। और यही आलम रहा तो लोकसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस के लिहाज से कुछ खास बेहतर नहीं हो पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, रायपुर। तो बीजेपी ने इन पोस्टर्स में जो लिखा है, क्या कुछ कहा गया इन पोस्टर के जरिए, वो अब आपको बताते हैं। भूपेश बघेल के लिए, जो राजनांदगांव से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्हें जिहादी गिरोह बताते हुए पोस्टर जारी किया है भूपेश बघेल के खिलाफ। शिव डहरिया को जमीन कब्जा करने वाला सरगना बताया है। तो वहीं ज्योत्सना महंत को लापता सांसद बता दिया है। विकास उपाध्याय को विनाश करने वाला और ताम्रध्वज साहू को बीरनपुर हत्या की अनदेखी करने वाला बताते हुए ये पोस्टर जारी किए हैं। लगातार पोस्टर जारी कर रहे बीजेपी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रत्याशियों के खिलाफ। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कल चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया, जिसमें ये बात सामने आई कि 12 अप्रैल 2019 से 11 जनवरी 2024 तक तमाम पार्टियों को भर भर कर चंदा मिला। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले चुनावी चंदे का मामला जोर पकड़ चुका है। विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है तो बीजेपी कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रही है, लेकिन जो डेटा जारी हुआ है अब उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फटकार लगाते हुए नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बैंक से पूछा, बॉन्ड नंबरों का खुलासा क्यों नहीं किया, अल्फा न्यूमेरिक नंबर क्यों नहीं बताया, बॉन्ड खरीदने भुनाने की तारीख कहाँ है, बैंक ने पूरा डेटा क्यों नहीं जारी किया, किस दानदाता ने किस पार्टी को चंदा दिया। ये वो सवाल है जो कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पूछे हैं। पिछले काफी समय से ये चर्चा चल रही थी कि कई राजनीतिक पार्टियों को जो चंदा मिलता है वो कौन लोग देते हैं और कितना चंदा दिया जा रहा है, तो इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और इस मामले पर पिछले काफी समय से सुनवाई भी चल रही थी। इसी सुनवाई के दौरान में कई महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आई और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कहा गया कि उन तमाम जानकारियों को अपने वेबसाइट पर डालें। अब उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कई जो जानकारियां जो हैं वो अपने वेबसाइट पर तो डाल दिया, लेकिन अभी भी उसमें से तकनीकी तौर पर कई जानकारियों को साझा नहीं किया गया है। लिहाजा इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का एक सख्त निर्देश जारी किया गया और कहा गया कि सोमवार को उन तमाम जानकारियों को साझा किया जाए। तो दूसरी तरफ अब इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है, क्योंकि बीजेपी के साथ ही कई पार्टियों को चुनावी चंदा मिला है। दानदाता ने बीजेपी को 6,060 करोड़ चंदा दिया, टीएमसी को 1,609 करोड़ चंदा मिला, कांग्रेस पार्टी को 1,421 करोड़ का चंदा मिला, यानी ज्यादातर पार्टियों को चुनावी चंदा मिला है और बयानबाजी भी चौतरफा हो रही है। कोर्ट का जो आदेश है उसका पालन सबको करना पड़ता है और इलेक्शन कमीशन में उसका पालन करते हुए जो डेटा था उनके पास उन्होंने वह अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है। देखिए, मैं उस पर अभी एक विश्लेषण मैंने किया है, अगले 10-15 मिनट में निकलवा रहा हूँ, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी किस तरीके से ये इलेक्टोरल बॉन्ड का दुरुपयोग किया गया है। 60% इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ बीजेपी को गए हैं, 60% बीजेपी को गया है और मैंने दिखाया है इस विश्लेषण के द्वारा कि किस तरह से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स,
का दुरुपयोग किया है और जो जिन्होंने चंदा दिया है उनको क्या कहां कहां से कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, हाईवे के कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, टनल के धंधे मिले हैं और कोई प्रोजेक्ट मिला है, तो ये सब मिली भगत। दरअसल चुनावी चंदे की चिंता इसलिए हो रही है क्योंकि सभी सियासी दलों की दहलीज पर लोकसभा चुनाव दस्तक दे रहा है। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सार्वजनिक होने से सियासतदानों की टेंशन बढ़ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।